हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब सोली किम का परफॉर्मेंस देखने आई थी तो किम उसे देखकर अपना मास्क हटा देता है और काफी कॉन्फिडेंटली पियानो प्ले करता है। ये देखकर सोली काफी खुश होती है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद किम उसे पिक करता है, वो उसके लिए दरवाजा भी खोलता है। सोली को समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। कार में बैठकर भी वो उसे ही देख रहा था। सोली थोड़ा नर्वस होने लगती है कि तभी वो कहता है, अपनी सीट बेल्ट तो लगा लो, जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाती है। हम देखते हैं किम उसे डिनर के लिए लेकर आता है और उसे थैंक्स कहता है कि तुम्हारे वजह से ही मुझे अपना मास्क निकालने का कॉन्फिडेंस मिला। सोली ये सुनकर खुश होने लगती है कि तभी किम उसके काफी नजदीक आता है। ये देखकर वो थोड़ा नर्वस हो जाती है, आखिर ये क्या बोलने वाला है। लेकिन किम बोलता है, मुझे लगता है वो लड़की हमारी फोटो ले रही है। सोली का तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि वो तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी। वो लड़की को देखकर बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपने खाने की फोटोज ले रही है। पर हम देखते हैं कि किम काफी घबरा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था सारे लोग उसे ही देख रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सोली उसे घबराता हुआ देखकर अपने साथ एक बार में ले जाती है क्योंकि वह सभी नशे में होंगे तो उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। किम ये देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करता है और वहाँ खाना एंजॉय करता है। हम देखते हैं कि सोली ने वहाँ काफी ड्रिंक कर ली थी और उसे पूछती है, तुमने हमारे बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश क्यों की और मुझे स्ट्रेंजर की तरह क्यों ट्रीट किया। किम इसके लिए माफी मांगता है और उसे बताता है कि मेरे पास में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं इन चीजों से घबरा जाता हूँ। सोली कहती है, मुझे पता है इसका सही से कुछ लेना देना है, तुम दोनों डेट करते थे फिर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे फोन पर उसके नाम के आगे दिल भी देखा था। जिस पर किम कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसने खुद ही मेरे फोन पर ऐसा कर दिया, मैं सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानता हूँ, पर कोई और ही लड़की थी जिसे मैं कभी पसंद करता था। जिस पर वो कहती है, इसका मतलब सायन को तुम्हारे पर क्रश है। हम देखते हैं किम उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था, वो वहाँ पर खाने से दिल भी बनाने लगती है और थोड़ी देर बाद वही बेहोश हो जाती है। काफी नशे के कारण उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो वहाँ होटल भी देखती है और उसे दिखता है कि किम उसके कपड़े चेंज कर रहा है, साथ ही अपने भी, कि तभी उसकी एकदम से आंखें खुलती है और वो देखती है कि वो तो अपने रूम में थी, उसके कपड़े काफी गंदे हो गए थे और उसे फिर याद आता है आखिर उसने कल क्या किया था। और हम कल का सीन देखते है जहाँ पर सोली टेबल पर ही गिर गई थी जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े खराब हो गए थे। किम को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कोट को साफ करे तो करे कैसे, लेकिन फिर वो उसे ऐसे ही रहने देता है और उसे अपना कोट पहनाकर ले जाने लगता है। रास्ते में वो आइसक्रीम के लिए भी जिद करती है तो किम उसे आइसक्रीम खिलाकर बड़ी मुश्किल से अपार्टमेंट लेकर आता है। सोली अपना लॉक भी नहीं खोल पा रही थी तो वो किम को पासवर्ड बता देती है, जिसके बाद वो उसे बेड पर लेटा देता है। वो देखता है उसका जैकेट काफी गंदा था तो वो उसे आराम से निकाल देता है और अपनी शर्ट के पीछे भी देखता है, वहां पर भी दाग लग गए थे। जब वो अपनी शर्ट पहनकर वहां से निकलने वाला था तभी वो सोली को अपने पीछे खड़ा हुआ देखकर डर जाता है। वो कहती है, मुझे लगा तुम अच्छे इंसान थे, और उसे थप्पड़ मार देती है। किम बेचारा हक्का वक्का रह जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ, और जैसे ही वो उसका रीजन पूछने वाला था वो बेड पर गिर जाती है। प्रेजेंट में सोली ये सब याद करके काफी एम्बरेस्ड फील करती है। दूसरी तरफ किम अपनी शर्ट को धो रहा था लेकिन देखता है कि उसकी शर्ट से खाने का निशान नहीं गया। सीन शिफ्ट होता है और हम ड्यूक चैन को देखते हैं, जिसे सायन की मैनेजर का कॉल आता है और उसे बताता है वो अपना फोन नहीं उठा रही। वहां पर हम उसकी बेटी को भी देखते हैं। ड्यूक चैन उसे कहता है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा, तुम उसके सारे शेड्यूल कैंसिल कर दो और उन्हें बताना जो उसके पैर में उस दिन चोट लगी थी वो काफी बढ़ गई है। फिर हम सायन को देखते हैं जो कि काफी उदास थी और किम की बातों पर याद करके सैड सॉन्ग गा रही थी। हम फिर से किम को देखते हैं जो कि अपना मास्क हटाकर एक स्टोर के लिए जा रहा था, लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसे ही देख रहे हैं। वो वहाँ कुछ सामान लेकर बिलिंग के लिए जाता है, इतने में वहाँ बोरो आ जाता है। वो वहाँ किम को बन देखते हुए नोटिस करता है और उसे कहता है, मेरी शॉप में इससे बढ़िया क्रीम बन मिलता है, और उसे अपने साथ ही ले जाता है। किम को भी वो बन काफी पसंद आता है। बोरो पूछता है, क्या तुम यहाँ नहीं हो,
तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। तो किंग कहता है, तुम भूल गए, तुमने मुझे उस दिन डोनट्स भी दिए थे। ये सुनकर वो अपने हाथ से उसका फेस कवर करता है और थोड़ा याद करने की कोशिश करता है, पर तब तक वहाँ चोरोक और ओबेक आ जाते हैं। चोरोक किम को देखकर चिल्लाती है कि ये कितना हैंडसम है, लेकिन किम तुरंत वहाँ से चला जाता है। फिर हम सोली को देखते हैं जिसके सर में काफी दर्द हो रहा था और वो यही सोच रही थी कि कल मैंने ऐसा क्यों किया, अब मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी, कि तभी किम बाहर से उसे आवाज लगाता है। ये सुनते ही वो घबरा जाती है कि वो कहीं कल के बारे में बात करने तो नहीं आया, और फटाफट से मेकअप करके दरवाजा खोलती है। किम उसके लिए कुछ सामान लाया था और कहता है, तुम्हारा सर दर्द हो रहा होगा इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। साथ ही कहता है, तुम अपना पासवर्ड बदल देना क्योंकि मुझे भी अब वो पता चल चुका है, और यही कहकर वो वहां से जाने लगता है। सोनी उसे रोकती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो, मुझे कल के लिए माफ करना। किम कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, और उसके काफी नजदीक जाकर कहता है, क्या तुम्हें पता है शर्ट से उस चीज का निशान कैसे हटाया जाता है। और ये सुनते ही वो फिर से शॉक हो जाती है और अंदर आकर उसकी शर्ट धोती है। वो फिर उसका लाया खाना खाती है जो कि उसे काफी पसंद भी आता है। बाद में जब वो उसकी शर्ट प्रेस कर रही थी तो वो न्यूज में देखती है कल यहाँ फुटबॉल का मैच होने वाला है। वही किम भी ये न्यूज देख रहा था और उसे याद आता है कि सोनी ने कहा था उसे फुटबॉल काफी पसंद है और वो अकेले ही उसे पब में देखने जाती थी। इतने में सोली उसकी शर्ट देने वापस आती है। वो उसे हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या तुम कल बिजी हो। तो सोली कहती है, हाँ मैं बिजी तो हूँ, क्या कुछ काम था। तो किम कहने लगता है, तुम कब फ्री होगी। तो वो कहती है कि मैं ओनर हूँ तो मैं अपना शेड्यूल कभी फिक्स कर सकती हूँ। जिसे सुनकर किम सोचने लगता है और तभी वो गुस्से में कहती है, हे भगवान, ऐसे कौन पूछता है डेट पर जाने के लिए। और ये सुनते ही किम स्माइल करने लग जाता है। सोली कहती है, नहीं नहीं डेट नहीं, मेरा मतलब अपॉइंटमेंट था। तो फिर किम उसे कल पब में एक साथ मैच देखने के लिए कहता है। वो ये सुनकर काफी खुश होती है और उसे हाँ कह देती है। अपने रूम में आकर वो कल के लिए ड्रेस डिसाइड करने लगती है। अगले दिन हम किम को देखते हैं जो कि गार्बेज फेंकने बाहर आया था, और उसे वहाँ जेचन मिलता है जो कि उससे फिर से पैसे लेने आया था, और उसे धमकाता है, तुम्हें बिना मास्क के बाहर नहीं घूमना चाहिए, अगर उन्हें पता चला तो कौन ही एक मर्डर का गाना सुनेगा, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बंद भी हो सकती है। तो किम भी थोड़ा सोचकर कहता है, हाँ सही कहा, अगर सबको ये पता चला तो तुम भी पैसे नहीं कमा पाओगे, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मैंने पहले ही सारा खर्च चुका दिया है। ये सुनकर जे चैन काफी शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। वही दूसरी तरफ द्युक चैन कार से कहीं जा रहा था और तभी उसे लगता है शायद उसके सामने कोई आया था। वो फटाफट बाहर आकर चेक करता है पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। वो जैसे ही कार में बैठता है उसे पीछे से इम्बो की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो काफी घबरा जाता है। वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इम्बो कहता है, ये जो किम दोहा है ये किम संजू है ना। द्युकचैन उसे काफी समझाता है, नहीं वो कोई और है, पर उसके हाव भाव से वो पहचान लेता है और कहता है, मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखने आया था, और हंस कर वहां से चला जाता है। वही किम अपने नए गाने पर काम कर रहा था, तभी उसे द्युकचैन का कॉल आता है और वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तो किम कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या कुछ हुआ है। तो कहता है, नहीं, और कहता है, अगली बार जब तुम ऑफिस आओगे तो मुझे जरूर कॉल करना, मैं ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम चोरुक को देखते हैं जो कि अपनी शॉप का पैम्पलेट बांट रही थी। वो वहाँ सोली की कैब की तरफ देखती है और सोचती है कुछ तो गड़बड़ है, वो यहाँ जरूर कुछ छुपा रही है। इतने में सोली अपने क्लाइंट के साथ बाहर आती है, वो सब उसके साथ बिजी थे, तो चोरुक इसका फायदा उठाकर कैफे में घुस जाती है। वो इधर उधर देखती है तो उसे वहाँ एक सीक्रेट कमरा दिखता है। वो जैसे ही उसकी तरफ जाने वाली थी तभी सोली कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। चोरुक काफी घबरा जाती है और फटाफट वहां से चली जाती है। वो अपने कैफे में आकर सोच रही थी कि उसने कुछ स्पिरिट कहा था, क्या वो शामन है। इतने में उसे बोरो का मैसेज आता है कि वो हैंडसम लड़का यहाँ आया है, जिसके बाद वो तुरंत वहाँ पहुँचती है और उसे भी अपना पैम्पलेट देती है।
किन कहता है ये तो टेरेट कैफे के पास ही है ना, जिस पर वो कहती है उस कैफे में बिल्कुल भी मत जाना। वो कैफे काफी अजीब है और उसकी ओनर एक शामिल है, वो जरूर वहाँ कुछ छिपा रहे हैं। किम कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसकी ओनर को काफी अच्छे से जानता हूँ। फिर हम ली को देखते हैं जो कि उसी एरिया में घूम रहा था और उसे वहाँ सोली भी दिखाई देती है जो कि स्माइल कर रही थी। ये देखकर उसे अपना पास याद आता है, वो उसके पास जाने वाला था लेकिन वो देखता है वो तो वहाँ किम का वेट कर रही थी। ये देखकर वो काफी उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सोली की मॉम को देखते हैं जो कि डिनर के लिए आई थी। वो दोनों डेट कर रहे होते हैं और जल्द ही शादी करने वाले थे। वहीं हम फिर से ली को देखते हैं जो कि गैंग पर छापे मारने गया था क्योंकि वो यहाँ इलीगल काम कर रहे थे। लड़ाई के दौरान उसके हाथ में चोट भी लग जाती है और फिर वो उन्हें अरेस्ट करके वहां से ले जाता है। आगे हम सोली को देखते हैं जो कि अपनी ड्रेस डिसाइड कर रही थी कि उसे क्या पहनना चाहिए। दूसरी तरफ किम भी यही सोचने में लगा था कि उसे आज क्या पहनना चाहिए। फिर हम सोली को देखते हैं जो खुद से कह रही थी क्या मैंने ज्यादा तो नहीं किया, और जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आती है वो किम को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो भी अच्छे से रेडी होकर आया था। किम उसे देखकर कहता है क्या तुम सच में मैच देखने जा रही हो, तुम्हें तो देखकर ऐसा नहीं लग रहा। सोली बहाने बनाने लगती है कि मैं कुछ ज्यादा ही बिजी थी इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, और कहती है तुम्हारा क्या, तुम भी तो ऐसे ही आए हो। जिस पर किम कहता है मैं तुम्हारे सामने अच्छा दिखना चाहता था, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसके बाद वो जब पब के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं वो पब तो बंद था। वो फिर एक तो पब में जाते हैं पर वहाँ भीड़ होने के कारण उन्हें सीट नहीं मिलती। लास्ट पब में वो जब जाते हैं तो सोली को वहाँ उन्हीं के एरिया के कुछ लोग भी दिखते हैं। वो पहले घबरा रही थी पर किम की वजह से वो वहाँ मैच देखने लगते हैं। वो लोग भी उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं और गॉसिप करने लगता है क्या वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि वो काफी इंजॉय कर रहे थे और बीच बीच में एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ गए थे। जैसे उन्हें रियलाइज होता है तो दूर भी हो रहे थे। फाइनली उनकी टीम भी जीत जाती है और वह सभी लोग काफी खुश होने लगते हैं। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि अभी भी सोली को भूल नहीं पाया था। वो उसे कॉल करने ही वाला था और हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां वो एक जगह पर बैठकर सोली के नंबर को ही देख रहा था, लेकिन वो देखता है उसके पीछे कुछ लोग रो रहे थे, जिसके बाद वो उसका नंबर डिलीट कर देता है और रोने लगता है। प्रेजेंट में वो यही याद करके उसे कॉल नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम सोली को देखते हैं जो कि टेनिस कोर्ट में आई थी और उसे वहां किसी ने चोट पकड़ने के लिए बुलाया था एक रेफरी बनाकर। जैसे ही वो पीछे देखती है वो वहां अपनी मॉम को देखकर शॉक हो जाती है। उसकी मॉम के तो होश ही उड़ गए थे कि अब ये मेरा भांडा फोड़ देगी। असल में कोच की बेटी को उस लेडी पर शक था कि वो झूठ बोल रही है, इसीलिए उसने सोले को यहाँ बुलाया था। आगे हम देखते हैं वो मैच के दौरान बहाना बनाती है कि मुझे चोट लग गई है। वहां पर कोच की बेटी उनसे कुछ सवाल पूछती है जिसका जवाब वो गलत दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो सोली को साइड में लेकर जाती है और कहती है प्लीज इस बार यहाँ कुछ गड़बड़ मत करना, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा पैसे दूंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें आज तक किए हुए सारी गलतियों के लिए माफ कर दूंगी। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम सच कह रही थी। इतने में वो लोग भी वहाँ आ जाते हैं और उसकी बेटी सोली को इशारा करती है और उस लेडी से पूछती है क्या आप सच में मेरे फादर को प्यार करती है, जिस पर वो कहती है हाँ मैं उन्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। सोली को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही थी और पैसों के लिए ही ये सब कर रही थी। बाद में वो कोच की बेटी को सब बता देती है कि वो झूठ बोल रही थी, जिसके बाद वो उसे पे करके वहां से चली जाती है। फिर हम किम को देखते हैं जो कि देखता है बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और नोटिस करता है सोली अभी भी घर पर नहीं थी। वही हम सोली को देखते हैं जो कि अपने कैफे में बैठी थी और अपनी मॉम की हरकत की वजह से काफी परेशान थी। तभी वहां उसकी मॉम भी आ जाती है जो कि उस पर चिल्ला रही थी। अंदर आकर वो उसका सारा सामान गिराने लगती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। इतने में वहां किम भी आ जाता है और देखता है कि वहां सारा सामान बिखरा हुआ था। वो जब अंदर आता है तो सुनता है उसकी मॉम चिल्लाते हुए कह रही थी तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है, तुम्हारी वजह से मैं जेल भी गई थी
और काफी कुछ कहने लगती है। सोली को भी काफी गुस्सा आता है और वो भी उन्हें सुनाने लगती है और लास्ट में कहती है, क्या इसमें मेरी गलती है जो मुझे ये एबिलिटी मिली है? अगर मेरे बस में होता तो मैं अपने कान काटकर आपको दे देती। और पूछती है, क्या आप मुझसे प्यार भी करती हो? नहीं, आप तो बस मुझसे नफरत करती हो। ये सुनकर उसकी मॉम चुप हो जाती है। वही किम ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। जैसे उसकी मॉम उसे मारने वाली थी, इतने में किम अंदर आता है और उसे देखकर वो कहती है, अच्छा तो तुम इसे डेट कर रही हो? और किम को कहती है, क्या तुम्हें पता है ये एक शामन है? सोले उन्हें चुप होने के लिए कहती है, जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चली जाती है। किम बाहर आकर उसे माफी मांगता है कि मैंने वो गलती से सुन लिया था। सोले कहती है, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे काफी एम्बरेस फील हो रहा है। किम उसे कहता है, अच्छा ठीक है, पर कम से कम ये छाता तो रख लो। तभी वो छाता नीचे फेंक कर कहती है, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, मैं इस पावर से परेशान हूँ, इसकी वजह से मैं अपनी फैमिली से दूर हो गई और ना ही मैं किसी को डेट कर पाई। तो किम भी गुस्से में कहता है, ऐसी कौन सी पावर है तुम्हारे पास? जिस पर वो कहती है, मैं झूठ को पहचान सकती हूँ। और ये सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।